दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है। शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग कपल अंकल और आंटी रहते थे। वह कॉलोनी अभी जल्द ही बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 ही घर बसे हुए थे। इनका एक छोटा बेटा भी था जो उन्हें छोड़कर विदेश में अपनी पत्नी के साथ रहता था। यह अंकल और आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ पर उन्हें हमेशा यह डर रहता था कि उनके साथ कोई घटना ना घटित हो जाए, इसलिए वह दोनों घर के बाहर कम ही निकलते थे। पर उनका एक रूटीन था, वह सूरज डूबने के बाद हर शाम को टहलने के लिए निकल जाया करते थे। एक दिन दोनों रोज़ की तरह टहलने के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा था और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वे चले गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वह लड़का दिखा और उसी तरह तेज़ी से साइकिल चलाता जा रहा था। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी वह लड़का दिखा, पर उन लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिर में छठे दिन आंटी जी ने अंकल जी से पूछा कि यह लड़का रोज़ इसी समय हमें साइकिल चलाते हुए जाता हुआ दिखता है, लगता है कुछ गड़बड़ है, कहीं ये लड़का कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। लेकिन अंकल जी ने मना कर दिया कि कहीं भी जा रहा हो, हमें क्या करना है। परंतु आंटी जी बोले कि हमें देखना चाहिए कि हमारे कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। अंकल जी बोले ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि यह लड़का क्या कर रहा है। अगले दिन फिर से वह लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ निकला तो अंकल और आंटी भी उनके पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद वह लड़का एक पेड़ के पास जाकर साइकिल खड़ी कर देता है और उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली ज़मीन पड़ी होती है जहाँ पर वो उसे खोदने लगता है। अंकल और आंटी कुछ देर तक तो उस लड़के को देखते रहे पर कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद आंटी से और अंकल से रहा नहीं गया और वो लड़के के पास जाकर उसे पूछ पड़े कि तुम ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो। लड़के ने मुस्कुराते हुए अंकल की तरफ देखा और बोला कि मैं आपको रोज़ देखता हूँ, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यह ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मुझे नई नई नौकरी लगी है। इस पर अंकल जी ने पूछा ऐसी कौन सी नौकरी लगी है जिसमें ज़मीन खोदनी पड़ती है। लड़के ने कहा मैं बड़े दिन से बेरोज़गार था, फाइनली मुझे फार्म हाउस पर काम करने का मौका मिला है। पर उन्होंने कहा है कि उन्हें अनुभवी लड़के की ज़रूरत है, पर मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए मैं रोज़ फावड़ा लेकर आता हूँ और ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ ताकि जैसे ही मुझे नौकरी पर काम मिलना शुरू हो जाए मुझे निकाला न जाए, इसलिए रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनने के बाद अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिया और बोले बहुत बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में बहुत कुछ है, यह छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। तो अगर हमें सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लगातार मेहनत, कोशिश और प्रयास करते रहे, तभी हम जीवन में सफल होंगे। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।